दोस्तों, हम जब भी अपना राष्ट्रगान सुनते हैं तो हमारे अंदर देशभक्ति की एक लहर दौड़ जाती है और ऐसे ही 195 नेशनल एंथम से पूरी दुनिया में। लेकिन क्या आपको पता है कि मानव इतिहास का सबसे पुराना राष्ट्रगान कौन सा है? ऑफिशियली तो ब्रिटेन का गॉड सेव द क्वीन और नीदरलैंड्स का विलहेल्मस दुनिया के सबसे पुराने नेशनल एंथम माने जाते हैं। लेकिन अगर आप नेशनल एंथम की डेफिनेशन को देखें तो ऐसा कोई भी म्यूजिकल पीस जो कि पेट्रियोटिक हो और किसी भी देश खंड के इतिहास और ट्रेडिशंस की प्रशंसा करता हो तो नेशनल एंथम कहलाता है। और आज से हजारों वर्ष पहले एक ऐसी ही पोएटिक हिम अथर्ववेद के 12वें खंड के प्रथम सूक्त में देखने को मिलती है। 63 मंत्रों का ये सूक्त मातृभूमि सूक्त या पृथ्वी सूक्त कहलाता है, जिसमें पहली बार मनुष्यों ने अपनी भूमि की वंदना की है। इन मंत्रों में न केवल मातृभूमि द्वारा दिए गए अन्न, फल, फूल और खनिज के लिए ग्रेटिट्यूड प्रस्तुत किया गया है, बल्कि अपने इतिहास के राजाओं, ऋषियों और वीर योद्धाओं की स्तुति भी की गई है, जिससे मानवता में पहली बार राष्ट्रवाद की अवधारणा को विकसित होते हुए देखा गया है। और जिस प्रकार इन मंत्रों में पर्यावरण के लिए प्रेम प्रस्तुत किया गया है, वो आज के ग्लोबल वार्मिंग के समय में एक आई ओपनर है। तो दोस्तों, सच्चे अर्थों में अथर्ववेद का पृथ्वी सूक्त ही दुनिया